हेलो गाइस, मैं नवी जोगेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम रिजल्ट के लेकर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को साउंड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर नहीं होगी, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैं ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आउटडोर में, और आउटडोर में दोस्तों बहुत सारा नॉइस आता है। तो दोस्तों, बस आपने जिस चीज़ के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है, जिस चीज़ के लिए अपडेट के लिए, जिस चीज़ के न्यूज़ के लिए आपने वीडियो क्लिक किया, इस वीडियो को पूरा देखें। तो हम पढ़ते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से किस तरीके के हम यहाँ पे अपडेट आया है, किस तरीके से न्यूज़ आई है, तो आपका रिजल्ट कब आएगा, इसकी डेट कब है, कितनी देर से यहाँ स्थगित कर दिया। तो आज के सारे डाउट हम इसी वीडियो में क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, सीधे सीधे लिखा है बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2020 डेट, ठीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने 10वीं के परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन की तारीख आगे बढ़ा दी है। इससे पहले 31 मार्च तक कोरोना वायरस हमारी महामारी के कारण मूल्यांकन स्थगित कर दिया गया था। अब देश भर में केंद्र सरकार के लॉकडाउन के कारण मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन 14 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। तो बाकी पढ़ते हैं कि इसकी जानकारी सभी DO को पत्र लिखकर दे दी गई है। पटना DO ज्योति कुमारी ने बताया कि 14 अप्रैल तक अभी मूल्यांकन नहीं होगा, कुछ कोरोना को लेकर लॉकडाउन है। तो ज्ञात हो कि मैट्रिक मूल्यांकन का 7 मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन शिक्षक हड़ताल के कारण इसकी तिथि आगे बढ़ा दी थी, तो आगे बढ़ा दी है ना, जिसे 25 मार्च तक मूल्यांकन खत्म करनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण 31 मार्च तक बढ़ाया गया, अब 14 मार्च किया गया है। तो दोस्तों, अब 14 मार्च किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार मूल्यांकन का काम अगले आदेश तक स्थगित हो रहेगा। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च अप्रैल में बोर्ड परीक्षा ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए थे। इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक में कुल 15,29,393 छात्र छात्राएं शामिल थे, इनमें से 7,83,034 लड़कियां शामिल है। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित हुई थी। ये परीक्षा पटना के 1,368 केंद्रों पर आयोजित की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपडेट है इसी तरीके को लेकर। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि दरअसल 10वीं की कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य जारी था, लेकिन देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए 21 मार्च को इसे स्थगित कर दिया गया। तो तय कार्यक्रम के मुताबिक कॉपियों का मूल्यांकन 25 मार्च तक खत्म किया जाना था और अप्रैल के पहले सप्ताह में रिजल्ट निकलने की संभावना थी। तो पिछले साल 6 अप्रैल को मैट्रिक के परिणाम आए थे। तो बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परिणाम BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पे, या आप वेबसाइट देख सकते हो दोस्तों, www.bseb है ना दोस्तों, ये इस वेबसाइट पे, और ये जो वेबसाइट आई थी इसके अलावा आपने अपना अखबार हिंदुस्तान की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। तो आपके चेक कर सकेंगे, जैसे ही बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजे जारी होंगे लाइव हिंदुस्तान फोन आपके मोबाइल ऐप पर। तो यहाँ पर लाइव हिंदुस्तान की जो हमने न्यूज़ हम देखो हम पढ़ सकते हैं, लाइव हिंदुस्तान की जो न्यूज़ है इस यहाँ पर भी आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, और जो बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उधर भी आप चेक कर सकते हो। तो 10वीं के नतीजे जारी होंगे लाइव हिंदुस्तान और रिजल्ट का अलर्ट भेजेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो जिस तरीके से हमने पढ़ाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही था, ये अभी की न्यूज़ है, अभी 31 मार्च ट्यूसडे आज अभी की न्यूज़ है, अभी 3 घंटे पहले। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो लाइक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद।